हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बैंगलोर और चेन्नई एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है, जो कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के साथ जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो एसएस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। कुछ ही चुनिंदा जगहों पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट दिए जाएंगे। इसे NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला परियोजना के तहत बना रही है। बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे 258 किलोमीटर लंबा और 4 लेन चौड़ा होगा, जिसे बाद में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित कर रखी है। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 18,000 करोड़ आएगा। इस प्रोजेक्ट को 2023 के एंड तक खत्म कर आम पब्लिक के लिए समर्पित करना। यह एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत के 3 बड़े राज्यों से होकर गुजरेगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अभी के वक्त बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद सिर्फ 4 घंटे का ही सफर रह जाएगा, क्योंकि बैंगलोर और चेन्नई एक्सप्रेसवे कम से कम 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करने वाला है। इस एक्सप्रेसवे में 41 अंडरपास के साथ साथ 17 फ्लाईओवर भी बनाने हैं। इस एक्सप्रेसवे को 3 फेजेस में बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बैंगलोर चेन्नई के साथ साथ कई शहरों को अपने साथ जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ग्रोथ मिलेगा और साथ ही साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। चेन्नई को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है, जो सूरत से चेन्नई तक होगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।